Good afternoon all. Today we are going to discuss the topic preventing the growth of germs. Okay, preventing मतलब stop. अगर जो germs हैं उनकी growth को आप stop कैसे कर सकते हो. Okay, previous lecture में हमने study किया था कि जो communicable diseases होती हैं, okay, उससे क्या होता है कि जो communicable disease मतलब क्या, जो डिजीज सिक पर्सन में से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, तो ये स्प्रेड कैसे होती हैं, जर्म्स के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती हैं. तो हमें क्या करना है कि अगर हम लोग ऐसी ट्राई करें कि जो जर्म्स की ग्रोथ ही हम स्टॉप कर दें. ओके, अगर जर्म्स ग्रो ही नहीं करेंगे तो स्प्रेड कैसे होंगे. ओके, दैट्स अ पॉइंट ना. ओके, सो अगर हम लोग जर्म्स की जो ग्रोथ है ओके उसे ही हम लोग स्टॉप कर दें, अगर हम जर्म्स को बड़ा होने ही ना दें, ठीक है, उनको पहले ही जर्म्स को स्टॉप कर दें तो ये सारी डिजीजेस फैलेंगे ही नहीं. ओके, हम लोग बीमार पड़ेंगे ही नहीं. ओके, सो लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं कि जिससे जो जर्म्स है ना वो ग्रो ही ना हो. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट इज हाउसेस शुड बी वेल वेंटिलेटेड विथ प्लेंटी ऑफ सनलाइट. सनलाइट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय जर्म्स. ओके, क्या करना है आपको, आपका जो हाउस है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए. वेंटिलेटेड का मतलब क्या है, आपके हाउस में विंडोज़ होनी चाहिए. विंडोज़ क्या करते हैं, वेंटिलेशन का काम करते हैं. वेंटिलेशन मींस एयर जो है वो आसपास घर के अंदर आ सके. ओके, एयर है सनलाइट है, ऐसे विंडो के थ्रू वो आपके घर में आ सके. ठीक है, एयर है, ठीक है, हवा आपके घर में आ सके, उसको आप वेंटिलेशन बोल सकते हो. प्लेंटी ऑफ सनलाइट, आपके हाउस में ऐसी विंडोज होनी चाहिए जिससे प्लेंटी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट आपके घर में आ सके. ओके, क्यों ऐसा, क्योंकि जो सनलाइट होती है ना वो जर्म्स जो होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है. ठीक है, अगर आपके घर में विंडोज़ होंगी, ठीक है, बहुत सारे विंडोज़ होंगी, तो क्या होगा कि विंडोज़ के थ्रू सनलाइट आपके घर के अंदर आएगी और सनलाइट क्या करेगी, जितने भी जर्म्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगी. ठीक है, मतलब उन सबको मार देगी. तो ये फर्स्ट पॉइंट है. इस चीज़ से क्या हो सकता है, जो जर्म्स होते हैं वो सब स्टॉप हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय ही हो जाएंगे. ओके, तो ये चीज़ है, ये आप घर में कर सकते हो. ये चीज़ अगर आप करो तो वेल एंड गुड. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग टू प्रिवेंट एंट्रेंस ऑफ इंसेक्ट्स. ओके, आपके जितने भी डोर्स हैं, जितने भी विंडोज हैं, उनको क्या होना चाहिए, नेटिंग होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि उससे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आपके घर के अंदर इजीली ना आ सके. नेट मतलब नेट होना चाहिए. ठीक है, जो नेट होती है, जारी जैसा स्ट्रक्चर आपके विंडोज़ एंड डोर्स में होना ही चाहिए, जिससे क्या हो कि इंसेक्ट्स है ना कोई भी अंदर नहीं आए. ठीक है, अगर नेट नहीं होगी ना तो क्या होगा, बाहर वाला इंसेक्शन आपके अंदर आ जाएगा, आपके घर के अंदर. ओके, अगर नेट होगी तो वो अंदर आ ही नहीं सकता. ठीक है, नेट होगी तो उसको अंदर आने की जगह ही नहीं मिल पाएगी. ठीक है, तो ये सेकेंड चीज़ है, इससे क्या होगा, इंसेक्ट्स नहीं आ पाएंगे. ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो डोर्स हैं, आपके जो विंडोज़ हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए, नेट होने चाहिए. ठीक है, वायर नेट होनी चाहिए. नाउ थर्ड पॉइंट, क्लोथ्स लिनन एंड मैट्रेसेस शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट पीरियोडिकली. ओके, क्या होना चाहिए, जो आपके क्लोथ्स हैं, ठीक है, लिनन मैट्रेसेस, जितने भी आपके जो कपड़े हैं, जितने भी आप यूज़ करते हो, वो सनलाइट में आपको एक्सपोज करने चाहिए, मतलब सनलाइट में आपको सुखाने चाहिए, ताकि क्या हो कि सनलाइट से क्या होता है, आपको पता ही है, जर्म्स जो है वो कपड़े पे, कपड़े क्या होते हैं, वेट होते हैं. तभी जब आप उसको सुखाने रखते हो सनलाइट में, तो क्या होते हैं कि जो वेट होते हैं उसमें जर्म्स लग जाते हैं. तो क्या होता है, जो सनलाइट होती है, ठीक है, वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है. तो आपके जो कपड़े होंगे वो एकदम फ्रेश और हाइजीन रहेंगे. ठीक है, तो कपड़ों को सनलाइट आपको दिखानी चाहिए, धूप दिखानी चाहिए, जिससे जर्म्स हो वो आपके कपड़े पे ना हो. ठीक है, अगर आपने ऐसे ही वॉशिंग मशीन में से, ड्रायर में से, आजकल है कि वॉशिंग मशीन एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप ड्रायर से सीधा पहन सकते हो कपड़े, लेकिन उन कपड़ों में क्या होती है कि जर्म्स आ जाते हैं. ओके,
तो क्या करना चाहिए? अगर आप उसको सनलाइट दिखाते हो कपड़ों को, ठीक है, तो वो जो जर्म्स होते हैं कपड़ों पे, मे बी लग जाते हैं कभी कभी, वो जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अगर जर्म्स वाले अगर आप कपड़े पहनो तो यू नो दैट डिजीज तो हो ही होंगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन रेगुलरली विद डिसइंफेक्टेंट्स। आपके जो टॉयलेट्स हैं, बाथरूम है, वो रेगुलरली रोज़ के रोज़ आपको क्लीन होने चाहिए विद डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या होता है? जो भी लिक्विड होता है, कुछ भी है, ठीक है, जो भी आप लिक्विड घर में यूज़ करते हो, उस लिक्विड से आपको ये जो टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स आपको रेगुलरली क्लीन करने, क्योंकि मेन जो जर्म्स होते हैं वो वहीं से होते हैं, ओके। अगर वही क्लीन नहीं होगा तो क्या होगा? जर्म्स स्प्रेड होंगे ही, ओके। सो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो इससे क्या होगा? जो जर्म्स की जो ग्रोथ है वही प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है, वही स्टॉप हो जाएगी, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फूड एंड वाटर शुड बी कैप्ट कवर्ड, ओके। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही मेन चीज़ है। आपका जो फूड होता है एंड वाटर होता है वो एकदम कवर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर अनकवर्ड फूड होता है तो उसमें क्या हो जाते हैं? जर्म्स लग जाते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सेवेज होता है, जो गटर होता है, पहले उसमें मॉस्किटो जाके, मच्छर जाके बैठते हैं, फिर वही मच्छर ये अनकवर्ड फूड में चिपक जाते हैं, और फिर वही फूड अगर आप खाओ तो यू वेरी वेल नो दैट आपको क्या होगा, आपको डिजीज होंगी ही। इसीलिए मेक श्योर दैट आपका जो फूड हो, वाटर हो, वो ऑलवेज कवर पोजीशन में ही होना चाहिए। आप पिक्चर में देख सकते हो जो फूड है वो कवर करके, उनको नेट से कवर करके रखा है, ओके। अनकवर्ड फूड आपको खाना ही नहीं है, ओके। अनकवर्ड अगर फूड कवर्ड होगा तो उससे क्या होगा? जो जर्म्स होंगे वो ग्रो होंगे ही नहीं, वो स्प्रेड भी नहीं हो सकते, ओके। सो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अनकवर्ड फूड खा लिया तो आपको तो डिजीज़ होंगी, ठीक है, जर्म्स भी स्प्रेड होंगे, और अगर आपको डिजीज़ होंगी तो क्या होगा? ये कम्युनिकेबल डिजीज़ इजीली किसी हेल्दी पर्सन को भी स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके मोस्टली सब लोग डिजीज़ वाले हो जाएंगे, ठीक है, वीकनेस हो जाएगी, सो विच इज़ नॉट गुड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दैट द फूड एंड वाटर शुड बी कैप्ट कवर्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज वाटर यूज फॉर कुकिंग और ड्रिंकिंग शुड बी क्लीन, ओके। जो वाटर आप ड्रिंकिंग के लिए एंड कुकिंग के लिए जो भी वाटर यूज़ करते हो वो क्लीन होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए, ओके। ऐसे नहीं कि आप कचरे वाला फूड डाल दो, ठीक है, आपका ध्यान नहीं हो, कभी कभी होता है कि ध्यान नहीं होता है और वो पानी आप पी जाते हो, नो, आपको पानी एकदम चेक करना है कि पानी अच्छा है या नहीं, ठीक है, अगर उसमें कोई कचरा तो नहीं है, आपको पानी क्लीन ही पीना चाहिए। इट शुड बी बॉइल फॉर 5 to 10 minutes बिफोर यूजिंग। जो वाटर होता है वो जो यूज़ आप करते हो उससे पहले बॉयल होना चाहिए, ओके। बॉइलिंग से क्या होता है, अगर आप पानी है वो बॉयल करके यूज़ करते हो तो बॉइलिंग में क्या होता है, जितने भी जर्म्स होते हैं पानी के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो अगर आप पीने के लिए पानी यूज़ कर रहे हो या कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, आपको बॉयल करने के बाद ही वो वाटर यूज़ करना चाहिए। वाटर फिल्टर्स और द प्रोसेसेस ऑफ क्लोरीनेशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर, ओके। आजकल क्या है, वाटर प्योरीफायर सबके घर पे आ गए, ओके, तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप प्योरीफायर। उसमें क्या होता है, प्योरीफाई होके ही वाटर आपके पास आता है, ठीक है, वो चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर वो चीज़ आपके घर पे नहीं है, फिल्टर्स होता है कई कई के घर पे नहीं है, ठीक है, तो वो क्या, वाटर को बॉइल करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक। सो स्टे सेफ, ओके, थैंक यू।